इंदौर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जहां चोरों ने एक श्रमिक सहकारी साख संस्था को निशाना बनाते हुए संस्था के अंदर रखी अलमारी के ताले तोड़कर 1,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। भबरकुआ थाना क्षेत्र पालदा की कुम्हार भट्टी में श्रमिक सहकारी शाख संस्था विकास केंद्र को 4 नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया और दरवाजे के ताले तोड़कर अलमारी में रखे 1,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई है। पुलिस चोरी करने वालों की तलाश कर रही है। हाँ, ये 23 तारीख को सुबह 12:15 बजे के आसपास ये हुआ था। करीब 3-4 जन थे, जहाँ जो सीसीटीवी फुटेज से हमको मालूम पड़ा कि वो लोग आए थे और करीब 1-2 घंटे उन्होंने हमारे दरवाज़ा को तोड़ दी और उसके बाद जो ड्रॉयर और जहाँ पे पैसा रखा था, जो लॉकर, उस दोनों तोड़ दिए और करीब 1,85,000 रुपया उन्होंने लेके गया। तो ये करीब चार लोग थे। हाँ, लोग वो लोग अपने चेहरा ढके हुए थे जो रुमाल से, और सीसीटीवी फुटेज में दिखता है थोड़ा बहुत, तो आँख और नाक तक तो दिखता है। पुलिस में हम कंप्लेन किया, FIR भी करा हुआ। पहली बार घटना हुई है। क्या नाम है संस्था का? जनविका सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी महिलाओं का चलाते हैं, तो यहाँ महिलाएं रोज उनका सेविंग्स जमा करने के लिए आते हैं, लोन लेने आते हैं, तो उसका पैसा जो बैंक में शाम को जमा किया था उसका बाकी जो बचा है वही पैसा बैंक में हो गया।